हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी और खसखस का एक सब्जी। ये जो बंगाली डिश है, इसको बंगाली में बोला जाता है लाव पोस्तो। हम लोग बोलेंगे लाव पोस्तो बोल के हम अभी तुम आप लोग को बोलते हैं, ठीक है। ये है खसखस, कुछ अमाउंट का है। ये करीबन 6-7 टेबल स्पून, एकदम फुल टेबल स्पून खसखस है। 5 फोड़न जो एसेंशियल है, तेज पत्ता और ये राई, लाल मिर्च तीखा वाला और लहसुन, चाहे तो स्किप कर सकते हैं ये। और ये लहसुन और ये है बारीकी से कटा हुआ लौकी। ओके, अब हम लोग बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। देख सकते हैं तेल गर्म होने के लिए मैंने कढ़ाई में दे दिया था, ये गर्म हो गया है। अब जब गर्म होने के बाद ही आप लोग 5 फोड़न को देंगे तभी वो फ्लेवर आएगा। ठंडा तेल में अगर 5 फोड़न को देंगे तो फ्लेवर कभी नहीं आएगा। हाँ, 5 फोड़न जरूरी है। अब हम लोग क्या कर इसमें तेज पत्ता डाल देंगे, इस तरह से एक तेज पत्ता और एक सूखा लाल मिर्च, ठीक है। बाकी सूखा लाल मिर्च है जब खसखस को पीसेंगे तब हम लोग इसको देंगे। अच्छे से हो गया। अब हम लोग लौकी को धो लिया है। अब हम लोग लौकी को धो देंगे। इसमें मसाला कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बहुत ही कम हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर लगता है। यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं भी यूज़ कर सकते फिर थोड़ा सा इस तरह से अच्छे लगेगा। तो अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा हल्दी अभी दे देते हैं, क्योंकि तो ज़्यादा मुझे इसको ये नहीं करना है। खाली इसको हल्दी देखिए थोड़ा सा ही, देख सकते हैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक अभी दे रही हूँ। बाकी हम लोग कस्तू जब देंगे, जब खसखस जब देंगे तब हम लोग यूज करेंगे। इस तरह से ना थोड़ा सा इस तरह से ना देंगे, क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा लगता है नहीं। ये बहुत अच्छा होता है गर्मी महीने के लिए, जब बहुत गर्म होता है तो इस टाइम खसखस आप लोग सब्जी में यूज़ करेंगे तो क्या होता है पेट को ठंडा रखता है। तो आप लोग इसको गर्मी महीने में सब्जी के साथ गर्म गर्म राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ये अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा ढक्कन बंद कर थोड़ी देर के लिए, हम जो पानी है पानी को हम लोग ड्राई कर लेंगे, फिर हम लोग इसको प्रेशर कुकर करेंगे। आप लोग चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। तो हम लोग थोड़ा सा हम दिखाते हैं अभी इसको, हम लोग लिड बंद करके थोड़ी देर के मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर तक हम लोग इसको रखते हैं। अभी एक मिक्सिंग जार मैंने ले लिया है, अभी जो खसखस है मैं इसमें इसको डाल दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से अगर कम बेसी कर सकते हैं देख सकते हैं, और तो थोड़ा सा दे रही हूँ। हाँ, लौकी है, आधा किलो लौकी है, आधा किलो से थोड़ा कम है। और ये लहसुन और ये मिर्ची, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा प्लेन अभी कुछ पानी देके नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही इसको ग्राइंड करेंगे, उसके बाद पानी देके हम लोग ग्राइंड करते हैं। देख सकते हैं हम लोग इसको ग्राइंड कर लिए हैं जस्ट 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में नहीं होगा। अब इसको हम लोग पानी देंगे इसमें, ठीक है। पानी देके फिर से हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे। पानी मैं दिखाती हूँ कितना लगेगा, ज़्यादा पानी हो जाएगा ना तो फिर वो अच्छे से वो ग्राइंड नहीं होगा। ओके, आप लोग देख सकते हैं पानी को मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इसको मिक्सी में ग्राइंड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए मैं ये प्रोसेस आप लोग को दिखा रही हूँ। आप लोग को दिक्कत नहीं होगा इसके बाद। और तो हाँ बस, और मैं इसमें पानी एकदम ही नहीं डालूंगी, ये काफ़ी है। अब हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे। ओके, देख सकते हैं ये अच्छे से पेस्ट हो गया है, ये पानी भी एकदम एग्जैक्ट जो मैंने चाह रहा था इसी तरह। तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो अच्छे से पेस्ट ही नहीं होगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी लौकी को हम लोग देख लेते कितना देर हुआ है, फिर इसको हम लोग इसको प्रेशर कुकर कर देंगे। हाँ, और थोड़ा सा रखेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग और इसको अच्छे से ड्राई होने देते हैं, फिर इसको हम लोग प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। ये मेरा ड्राई हो गया है, अभी मैं इसको प्रेशर कुकर में डालूंगी। आप लोग चाहे तो इसको, अभी आप लोग का टाइम है तो आप आराम से इसको कढ़ाई में स्लो फ्लेम में कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा पानी देके स्लो फ्लेम में करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर नहीं है आप लोगों के पास टाइम बहुत ही, आप लोग जल्दी बनाना है तो फिर आप लोग प्रेशर कुकर कर सकते हैं। अभी इसको मैं प्रेशर कुकर करती हूँ, ये प्रेशर कुकर मैंने डाल दिया है। ज़्यादा पानी आप लोग नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। अभी इसको क्या हाई फ्लेम में, स्लो फ्लेम में नहीं मीडियम फ्लेम, हाई फ्लेम में इसको 3 से 4 सीटी आप लोग देंगे और उसके बाद इसको फ्लेम बंद कर देंगे।
10 मिनट या 5 मिनट के बाद उसको खोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बारीकी से काटा हुआ है लौकी, आराम से बॉयल हो जाएगा। फिर हम लोग इसको कढ़ाई में डालेंगे, ठीक है। ये देखिए ये बॉयल हो गया है, अभी ये मैंने कढ़ाई में दे दिया है। अभी क्या करना है, इसमें जो पेस्ट किया हुआ खसखस है, जो पस्तो है, वो हम लोग दे देंगे और फ्लेम को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी हम लोग को पानी को ड्राई करना है। मुझे ये पानी नहीं चाहिए, ये जब लाओ कुछ ऐसे ही होता है ड्राई ड्राई। उसके साथ आप लोग अगर राइस के साथ खा रहे हैं तो एक कुछ भी दाल बना लीजिए तो और भी अच्छा होता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग, ये हम लोग इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा उसका जो लाओ कुछ जो जैसे लगता है खाने में भी, वो भी धीरे धीरे अच्छा सा फ्लेवर आते रहेगा। अभी इसको हम लोग पानी को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे अभी। आप लेकिन आप लोग जब हाई फ्लेम में अगर ड्राई करेंगे तो आप बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो पस्तो है जो खसखस है उस कड़ा में वो लग सकता है, तो फिर वो खराब हो जाएगा सब्जी। तो इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे अगर हाई फ्लेम में दे रहे हैं। अगर स्लो फ्लेम में दे रहे तो ठीक है, उसमें टाइम लगेगा लेकिन उसमें कुछ नहीं होगा। इस तरह से हम लोग इसको धीरे धीरे इसको सुखा लेंगे। आप देख सकते हैं इसका पानी पूरा ड्राई हो गया है, ये हो भी गया है, बहुत ही अच्छा है। अभी अब हम लोग इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये बाउल में निकाल लिया है बंगाली का बहुत ही फेवरेट डिश लाओ पोस्तो। आप लोग तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिए, गर्मी महीने में बहुत ही अच्छा होता है खाने में, बहुत ही कम मसाले के साथ बनता है, गरम गरम राइस के साथ आप इसको खाइए। और कैसा लगा बनाने के बाद जरूर कमेंट में बताइए, और अगर रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।